हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोको की तरफ से लॉन्च होने वाले नए 5G स्मार्टफोन के बारे में। पोको की तरफ से पोको F सीरीज का नया स्मार्टफोन पोको F5 5G बहुत ही जल्दी लॉन्च किया जा सकता है। बहुत ही जल्दी तो नहीं, लेकिन हाँ जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। एंड हमेशा की तरह कोई नया स्मार्टफोन नहीं रहने वाला है, एक रीब्रांडेड स्मार्टफोन ही रहेगा। एंड Xiaomi की जो Redmi K60 सीरीज चाइना में लॉन्च होने वाली है, उसमें से एक स्मार्टफोन इंडिया में और ग्लोबली पोको F5 नाम से लॉन्च होने वाला है। एंड वो स्मार्टफोन रहेगा Redmi K60 वैनिला वेरियंट। और इस स्मार्टफोन से जुड़े लगभग सारे स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी लीक हो चुके हैं। आज की वीडियो में बात करते हैं पोको F5 से जुड़ी सारी चीजों के बारे में, क्या क्या पॉसिबल स्पेसिफिकेशंस आपको मिल सकते हैं, क्या फीचर्स मिल सकते हैं, इंडिया में क्या प्राइस पॉइंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सारी चीज डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हो, लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 700 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बातचीत को, और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो डेफिनेटली यहां पर आपको ग्लास बिल्ड मिलेगा, ग्लास फ्रंट, ग्लास बैक, प्लास्टिक का फ्रेम रहेगा एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आपको देखने के लिए मिल सकता है। बिल्ड क्वालिटी आपको काफी अच्छी मिलेगी, साथ ही साथ IP53 की रेटिंग भी आपको देखने को मिलेगी, तो डस्ट एंड स्प्लैश प्रोटेक्शन यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाता है, ये काफी अच्छी बात है। बिल्ड क्वालिटी में आपको शिकायत नहीं आएगी। डिजाइन की अगर बात करें तो कोई भी इन्फॉर्मेशन डिजाइन को लेकर के अभी तक नहीं आई है। आज की वीडियो में जितनी भी इमेजेस मैं आपको दिखाने वाला हूं वो पोको F4 5G की होने वाली है या किसी और फोन की रहेगी। इस फोन को लेकर के अभी तक कोई भी डिजाइन रेंडर्स निकल करके नहीं आए हैं, लेकिन गुड लुकिंग स्मार्टफोन रहेगा। फ्रंट में सेंटर पंच होल डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेगा एंड दो चार अलग अलग कलर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। बिल्ड एंड डिजाइन में डेफिनेटली आपको शिकायत नहीं आएगी, दोनों चीजें सॉलिड आपको मिलने वाली है। इसके बाद में अगर बात करेंगे डिस्प्ले के बारे में तो बताया जा रहा है कि 6.67 इंचेस का डिस्प्ले यहां पर आपको मिलेगा, लेकिन रेजोल्यूशन क्या मिलेगा इस चीज को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन है। Redmi K60 बताया जा रहा है कि 2K रेजोल्यूशन के साथ में लॉन्च होगा। अब पोको F5 जब लॉन्च होगा तो क्या उसमें आपको 2K रेजोल्यूशन ही देखने के लिए मिलेगा या वहां पर आपको फुल HD प्लस देखने के लिए मिलेगा, इस चीज को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लेकिन अगर हम पिछले वेरिएंट की अगर बात करें तो पोको F4 इंडिया में लॉन्च हुआ था तकरीबन 26,000 के प्राइस पॉइंट पर, एंड ये जो स्मार्टफोन है एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं कि 30,000 के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड 30,000 के अंदर 2K डिस्प्ले देना शायद पॉसिबल ना रहे, तो मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि यहां पर आपको 6.67 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला AMOLED पैनल देखने के लिए मिल सकता है। यहां पर आपको 20:9 का एस्पेक्ट रेशो मिलेगा, 395 PPI के आसपास आपको पिक्सल डेंसिटी मिलेगी, वाइडवाइन L1 का सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा, HDR10 प्लस का सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा, डॉल्बी विजन का भी सर्टिफिकेशन यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। कंटेंट वॉचिंग के लिए डिस्प्ले बहुत बढ़िया रहने वाला है, फुल HD प्लस अगर आता है तो भी बहुत अच्छा रहेगा एंड 2K अगर आ जाता है तो नेक्स्ट लेवल डिस्प्ले हो जाएगा, वहां पर आपको बिल्कुल शिकायत नहीं आने वाली है। ब्राइटनेस की अगर बात करेंगे तो काफी सॉलिड 1200 निट्स के आसपास आपको ब्राइटनेस देखने के लिए मिलेगी। सो यस, विजिबिलिटी के मामले में भी फोन बढ़िया रहने वाला है, इंडोर विजिबिलिटी आउटडोर विजिबिलिटी दोनों बढ़िया रहेंगी। रिफ्रेश रेट की अगर बात करेंगे तो वही 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलेगा एंड 480 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से डिस्प्ले क्वालिटी सॉलिड मिलने वाली है एंड एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं कि थोड़ा सा और ज्यादा बेटर आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो इस फोन को शक्ति प्रदान करेगा मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 चिपसेट। अब ये जो चिपसेट है इसको लेकर के बहुत कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 888 जो प्रोसेसर था उससे बेटर परफॉर्मेंस आपको निकाल करके देने वाला है। सो डेफिनेटली पोको F4 जहां पर आपको स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर दिया गया था उससे थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर डेफिनेटली यहां पर आपको देखने को मिलेगा। हाँ, इस प्रोसेसर के बारे में जैसे ही कुछ भी इंफॉर्मेशन निकल करके आएगी या जैसे ही ये प्रोसेसर लॉन्च हो जाएगा तो उस पर अपन एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे एंड उस वीडियो को अपन डालेंगे अपने PTV लाइट वाले चैनल पर। तो अगर आपने उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ऊपर आई बटन में चैनल का लिंक दे रहा हूं, जा करके जरूर से सब्सक्राइब करना। बात करते हैं इसके बाद में कैमरास के बारे में। ये जो फोन है ट्रिपल कैमरा के साथ में आपको देखने को मिलेगा, 3 कैमरास पीछे की तरफ रहेंगे। प्राइमरी कैमरा यहां पर आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल्स का, पिछले साल वाले में 64 मेगापिक्सल्स का सेंसर था लेकिन ओमनी विजन का सेंसर दिया गया था, इस बार आपको 48 मेगापिक्सल्स का सेंसर मिलेगा। अब कौन सी कंपनी का सेंसर रहेगा ये चीज तो भाई बाद में ही पता पड़ेगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सोनी का सेंसर यहां पर आपको देखने के लिए इस बार मिल सकता है।
48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा विद OIS मिलेगा, ये काफी अच्छी बात है। साथ ही में वही 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा एंड 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो कैमरा मिलेगा। 3 कैमरास पीछे की तरफ रहेंगे। रेयर कैमरा से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर एंड 1080 पिक्सल वाले वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे आप अप टू 60 FPS पर। अच्छी बात है, बढ़िया कैमरा सेटअप आपको मिलेगा। फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिल सकता है एंड सेल्फी कैमरा से आप 1080 पिक्सल में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर। EIS का सपोर्ट आपको सेल्फी कैमरा में भी देखने के लिए मिल सकता है। ओवरऑल अगर देखा जाए कैमरा सेटअप की बात करें, कैमरा सेटअप आपको बढ़िया मिलेगा, कैमरा आउटपुट डिसेंट निकल करके आएंगे, कैमरा मॉड्यूल में आपको शिकायत नहीं आने वाली है। बैटरी की अगर बात करेंगे तो 5500 mAh की बैटरी यहाँ पर आपको मिलेगी, तो बढ़िया साइज की अच्छे खासे बैकअप के साथ में आने वाली बैटरी यहाँ पर आपको मिलेगी। 5500 mAh की बैटरी, मैक्सिमम 5-6 नैनोमीटर का चिपसेट एंड उसी के साथ में AMOLED का पैनल, मतलब बैकअप आपको सॉलिड मिलेगा, बैकअप में आपको बिल्कुल शिकायत नहीं आने वाली है। एंड यस, चार्ज करने के लिए 67W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करेगा एंड ऑब्वियसली 67W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा, प्लस 30W की वायरलेस चार्जिंग का भी यहां पर आपको सपोर्ट मिलेगा। ये अच्छी बात है, फास्ट वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट यहां पर मिलने वाला है। बैटरी मॉड्यूल में आपको शिकायत नहीं आने वाली है, बैटरी मॉड्यूल बढ़िया मिलने वाला है। चार्ज करने के लिए USB टाइप सी वाला पोर्ट मिलेगा, 3.5mm जैक नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड सेंसर्स की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, फेस अनलॉक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, छोटर पोटर इधर उधर के सारे सेंसर मिलेंगे इंक्लूडिंग IR ब्लास्टर एंड NFC भी यहां पर आपको देखने के लिए मिल सकता है। सो सेंसर्स में तो कमी ऑब्वियसली यहां पर आपको नहीं आने वाली है। सॉफ्टवेयर की अगर बात करेंगे तो बताया जा रहा है कि ये वाला जो स्मार्टफोन है Android 12 के ऊपर आपको मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। Android 13 का अपडेट आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स Android 12 मिलेगा विद MIUI 14। ये जो स्मार्टफोन है लॉन्च किया जा सकता है एंड मोस्ट प्रोबेबली MIUI 14 ही आएगा। सो ये अच्छी बात है। सॉफ्टवेयर का जो सेगमेंट है वो बढ़िया रहने वाला है, ज्यादा शिकायत आपको नहीं आएगी। अब MIUI से शिकायतें रहती है भाई बहुत सारे लोगों को, लेकिन पर्सनली मैंने अपने लेवल पर चेक किया है, बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आती है, सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस आपका बढ़िया रहेगा। इसके बाद में स्पीकर्स की अगर बात करेंगे, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स यहां पर आपको मिलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली डॉल्बी एटमॉस की ट्यूनिंग यहां पर आपको मिल जाएगी, ऑडियो आउटपुट बढ़िया रहेगा, कतई शिकायत आपको वहां भी नहीं आने वाली है, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस सॉलिड रहने वाला है। कार्ड स्लॉट की अगर बात करेंगे, ऑब्वियसली कार्ड स्लॉट यहां पर आपको नहीं मिलेगा। सो ओवरऑल अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो स्पेसिफिकेशंस आपको काफी बढ़िया मिलने वाले हैं एंड सबसे अच्छी बात कि परफॉर्मेंस जो है इसको और ज्यादा बेटर यहां पर किया जा रहा है एंड और ज्यादा पावरफुल चिपसेट यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। वेरिएंट्स की अगर बात करें तो वही 6+128 बेस वेरियंट इंडिया के लिए, साथ ही में 8+128 एंड 8+256 टॉप वेरियंट इंडिया में आपको देखने के लिए मिल सकता है। एंड प्राइस पॉइंट की अगर बात करें तो तीनों में से दो वेरियंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 30,000 के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। पोको का जो प्राइस पॉइंट रहता है काफी अग्रेसिव रहता है, स्पेशली इस सेगमेंट के फोन्स में पोको काफी अच्छा काम करता है। सो यस, एक्सपेक्टेशन तो हमारी यही है कि अगर इन स्पेसिफिकेशंस के साथ में ये स्मार्टफोन इंडिया में आता है समवेयर अराउंड 30,000, अगर ये स्मार्टफोन हमको मिल जाता है 30,000 के अंदर, अगर दो वेरियंट आपको देखने को मिल जाते हैं तो काफी सही प्राइस पॉइंट रहेगा। आप मेरे को कॉमेंट करके बताना भाई कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है स्पेसिफिकेशन को देखते हुए ये जो स्मार्टफोन है इंडिया में किस प्राइस पॉइंट पर आना चाहिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।